नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी सपोर्ट चैनल में। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC जो कि अपना मिनी बैंक लेना चाहते हैं या BC बनना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे। आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, कैसे आपको स्टेप फॉलो करने हैं पूरी न्यूज़ में आपको इस वीडियो के माध्यम बताने जा रहा हूँ। और ऐसी ही वीडियो हम आपको बताते रहते हैं CSE से रिलेटेड या आपको किस प्रकार से काम करना है, सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम यहां काम से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो जैसे कि आपको आना है, मैं आपको बता देता हूं कि HDFC बैंक के लिए आपको क्या करना है। अगर भाई जिनके पास CSE ID है तो वो तो जानते ही आपको किस प्रकार से करते हैं, और जो सब्सक्राइबर हमारे पुराने हैं वो सब जानते ही हैं कि आपको किस प्रकार से फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, जो जिस प्रकार से न्यूज़ आई है या मैसेज आ रहे हैं तो आपको वो फॉलो करने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले सबसे पहले अगर जिसकी CSE ID नहीं है तो वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कैसे बात करनी है, आपके कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कैसे मिलेंगे आपको, मैं उसकी भी जानकारी आपको बता दूँगा अभी। जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ मैं, जिसकी CSE ID है, पहले वो सुन लीजिए, जिसकी CSE ID है उनको आपको आ जाना है अपने डिजी मेल आईडी पर। जैसे कि आपको अगर ये न्यूज़ देखनी है तो मैं आपको हिंदी सपोर्ट चैनल वेबसाइट पर न्यूज़ प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो YVLE नहीं है, जिनके पास CSE ID नहीं है, वो किस प्रकार से करेंगे उसका भी मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, डियर VLE कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव एनेबल्ड HDFC बैंक। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि काइंडली गेट टच डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड कोऑर्डिनेटर फॉर HDFC बैंक करंट अकाउंट। इनका मतलब ये है कि अभी भाई पहले आपको करना क्या है, आपको एक नंबर स्टेप फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है बैंकिंग पोर्टल पर जाकर। आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप अंदर जाके इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आसानी से। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको यहाँ जाना है VLE, ये यहाँ से आपको ट्रेनिंग ले सकते हैं, यहाँ सब कुछ डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ VLE रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं आप, यहाँ से बैंकिंग का न्यू यूज़र सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे और आप आसानी से इसको फिल कर पाएंगे। यहाँ आपको CSE की ID देनी है और यहाँ पासवर्ड साइन इन कर लेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉन्टैक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको कॉन्टैक्ट करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन DM है, समझ रहे हो। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम आ जाएगा। तो आप भी अपने अपना ऐसे ही इसी प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको CSE ID चाहते हो तो तब भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आता है अपना स्टेप थर्ड, DC विल वेरीफाई दी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑन CSE पोर्टल। ये क्या करेंगे, DM आपकी जो आपने क्या किया था, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसको वेरीफाई करेंगे, यही वेरीफाई करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। उसके बाद लास्ट रह जाता है स्टेप फोर, उसमें क्या रहता है, वो बैंक वाले जो HDFC बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वहाँ के अधिकारी होते हैं बैंक के, वो ही इसको फाइनल करेंगे कि आपको अप्रूव करेंगे या फिर वो फेल कर सकते हैं। तो ये फोर्थ जो आपका स्टेप है, इसमें आपको यहाँ पर पास और फेल जो भी होगा यहाँ फोर्थ में जाकर, अगर जैसे पास हो जाते हो तो आपको HDFC बैंक की बैंक वो मतलब सॉरी मिनी बैंक BC आप बन जाओगे। तो आप यहाँ तक देख लें, स्टेप फॉलो करें, आप अपना करंट अकाउंट खुलवाएं। अगर आपको करंट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको करंट अकाउंट खोलना बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ करंट अकाउंट के बारे में कुछ पूछना है HDFC बैंक के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हिंदी सपोर्ट चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको और बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दें हर CSE ग्रुप में, जो कि DM का CSE ग्रुप होते हैं उसमें सब वीडियो को शेयर कर दें।